did you follow the chat today with Jay? Oh, my contribution chat too. Oh, that was like, I'm like, why are these people fighting? इसलिए मुझको पसंद नहीं है, कह रहा ठीक है, पर तुम्हें कह रहा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट नहीं, कह रहा नहीं ऑब्जेक्टिव पॉइंट नहीं हो रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, लेकिन मतलब कहाँ जा रहे हम लोग, वेयर आर वी गोइंग विद दिस, एट द फाइट वेंट एवरीवेयर, आई एम लाइक ओके. नहीं वेट, अगर पेस स्लो है तो वुडन दैट बी सब्जेक्टिव, लाइक इफ समबडी लाइक्स अ स्लो पेस्ड, वो समबडी डजंट, तो वो सब्जेक्टिव, दैट्स व्हाट वी सेइंग. लाइक उसने बोला, लाइक व्हाट ही वाज जे, व्हाट जे वाज सेइंग इज कि योर पॉइंट अगेंस्ट द शो इज सब्जेक्टिव, मतलब ऐसा. ओके ठीक है, सो लाइक यू जस्ट लाइक यू, इट्स लेस जस्ट योर ओपिनियन, देयर इज नो लाइक फैक्ट टू फॉलो अप योर इंफॉर्मेशन दैट द शो इज बैड, ऐसा माइंड हंटर्स की बात कर रहे थे हम लोग. हां हां ऐसा नहीं, मैंने आई सॉ सम ऑफ इट. So like I said ki dekho like my problem with the show is that it has no pace, basically it has no pace, like episode 5 se leke episode 8 nothing changes basically, aisa. Okay, first season and the second season is basically a repeat of first season with just the characters swapped, matlab pehle uski relationship fracture ho rahi thi, ab ladki ki relationship fracture ho rahi hai because of the same work, that was my point and why I didn't like it. So he agreed ki what I'm saying is right. But he said that you, the fact that you're saying the show is bad is wrong. That's what I'm saying. मतलब ऐसे जिस जिस facts पे मेरे opinion based है उस वो fact सही है पर opinion गलत है. Okay. वैसे सही बोलूँ तो I like Mindhunter, but Mindhunter is not the show that I'll wait for. Like I'll wait for another True Detective या Fargo या Ozark या कुछ. तो I think it's good, but I agree with कि मतलब it's not amazing or anything. अच्छा show है. बट सही बोलो तो यार नॉट एक्साइटेड टू सी मोर या कुछ कि ना बहुत टाइम हो गया आया नहीं कुछ. मेरा तो यार ऐसा है ना लाइक आई हैव टू लाइक आई जज लाइक व्हाट आई एम वाचिंग इज द बाय द अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव एंड हाउ मच दे आर एबल टू शो इन दैट टाइम, मतलब ऐसा. मतलब लाइक इफ जैसे आई लुक एट कैसलवेनिया, मतलब उसका पहला सीजन इज लाइक 20 मिनट्स ईच एंड द स्टोरी दैट दे आर एबल टू टेल इन दोस 80 मिनट्स इज इंप्रेसिव. मतलब मेरा तो माइंड ब्लोन हो गया था कि लाइक हाउ मच स्टफ यू कैन टेल. और सीजन 3 तक आते आते द अमाउंट ऑफ लाइक वो फिलोसफिकल चीजें वगैरह भी वो लोग ऐड कर रहे हैं, बट द पेस नेवर लाइक स्लोस डाउन, ऐसा लाइक यू गेट वर्थ वॉट एवर यूर ट्राइंग टू वॉच, ऐसा है ना. अब स्लो बर्न्स भी होते हैं, जैसे मेयर ऑफ ईस्ट टाउन है, मतलब दैट्स अ वेरी रिसेंट एग्जाम्पल एक्चुअली. तो इट्स एन एक्सट्रीमली स्लो बर्न एंड वेन द शो ओपन्स देर आर मल्टीपल थ्रेड्स फॉर यू टू कंसिडर, पर लाइक द शो होल्ड्स ऑन टू इट एंड इट इज नॉट अफ्रेड टू एंड अ थ्रेड 2 or 3 एपिसोड्स बिफोर just so that you can focus on the main thread towards the end also, like it's very clear how the direction goes, aisa. So matlab that's what I said, but I think like Jay was in the inflammatory mode and I was not willing to give up, like I didn't want to rage quit basically. So wo chala kafi der tak. Nahi mujhe lag raha Mindhunter ka ye bhi hai na ki there is a lot of fluff, it's not just ki slow paced, it's ki it's thoda matlab it's just kya bolte hain meandering shots. Shots are just meandering for a while, जो मतलब True Detective did well, वो over the top, वो tension build करना. Mindhunter में since it's like थोड़ा real भी है ना, तो you already kind of know and वो एक basic idea है. But tension है नहीं ना, मतलब that's what I was trying to prove कि like जैसे जो slow shots होते हैं, establishing shots होते हैं, they are used to enhance the tension. कि like अब क्या होगा या फिर किसने किया है, it makes the user think along with the protagonist, ऐसा. मतलब कि वो जो बंदा वो सोच रहा है, आप भी वो सोचो. पर माइंड एंटर में वो बंदा सिगरेट लेके बैठा है एंड इट्स लाइक अ 5 मिनट शॉट जिसमें कोई डायलॉग भी नहीं है, मतलब आई एम एक्सट्रापोलेटिंग बट दैट्स द काइंड ऑफ वे इट इज बिल्ट. सो दैट डजंट ऐड एनीथिंग टू लाइक द टू द शो, मतलब ऐसा मेरा मानना है बेसिकली. Yeah, nee, I'm not. Yeah, even I'm not saying it's a bad show or anything, but yeah, nee, I agree. मतलब Mindhunter तो नहीं, usually तो I would, मतलब मुझे लगा था कि you will be on the side of like liking Mindhunter more, क्यों? नहीं यार, मतलब जैसे मैं True Detective आई कैन सी लाइक व्हाई पीपल लाइक इट, मतलब सीजन 1 लाइक उसके आगे वाले सीजन 1 तो मतलब सीजन 1 बहुत अच्छा है, पर उसमें भी लाइक आई पाइंस दैट शो लाइक माइंस वॉच्ड इट वन डे मैं मेरे भाई बैठ के दोनों साथ है ना, टुवर्ड्स द एंड लाइक क्या है यार भाई तू फिलोसफी क्यों दे रहा है, तू उसको ढूंढ क्यों रहा है, मारा किसने है ऐसे ये बता मुझको. ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, बट आई कुड सी द अपील बिकॉज़ देयर वर टू एक्टर्स एट द टॉप ऑफ देयर गेम डिलीवरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम बेसिकली. मैथ्यू मैकॉग्नी, मतलब उससे इससे अच्छी एक्टिंग उसने कहीं नहीं की होगी जितनी उसमें उसने करी है.
यू कैन सी कि ये बेथे बकुनी ऐसे ही है रियल लाइफ नहीं, उसका अपना चैनल उसने शुरू किया ना यूट्यूब पे, ही इज काइंड ऑफ लाइक दैट. तो दैट्स द डिफरेंस मतलब ट्रू डिटेक्टिव्स में. और जैसे एक और आई बहुत बार फ्रीक्वेंटली मैं ब्लेड रनर का एग्जांपल देता हूं. सो ब्लेड रनर में यू कैन सी लाइक देयर आर मल्टीपल शॉट वेयर रायन गॉसलिंग इज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट. और पहली वाली में वो हैर जो हीरो का नाम याद नहीं आ रहा मुझको, इतना फेमस हीरो है वो, फोर्ड. हैरिसन फोर्ड इज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट विद ऑल दीज नियॉन लाइट्स. इट्स नॉट जस्ट एस्टैब्लिशिंग एनवायरमेंट, यू आर ऑल्सो थिंकिंग विद द कैरेक्टर कि यार किसने मर्डर किया होगा, लाइक हु हैज डन इट, व्हाट्स गोइंग ऑन टू हैपन नेक्स्ट, ऐसी चीजें. तो इट्स नॉट जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बस शॉट कूल लग रहा है, सिगरेट रखी है, धुआं निकल रहा है और उसके पीछे नियॉन लाइट जल रही है. नो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी. एटलीस्ट ब्लेड रनर हैज दैट सीनरी ऑल्सो टू थोड़ा है ना, टू लेट इट सिंक इन, वो भी एक मतलब मैटर करता है. कोई नहीं, आई विल टेल जे माइन हंटर सक्स मैन, आई एग्री विद आयुष. आई वेरी सब्जेक्टिवली से. चलो ठीक है, स्टार्ट करें. या ऑलराइट, स्टार्टिंग इन थ्री टू